खेती के लिए बिजली विभाग 10 की जगह 16 घंटे बिजली दे सकता है। प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश होने की वजह से यह फैसला लिया जाएगा। इससे किसान ठीक से खेती कर सकेंगे और पैदावार में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में अनुमान से कम बारिश हुई है, इसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं खेती के लिए 6 घंटे अतिरिक्त बिजली सप्लाई की जाएगी, लेकिन इससे काफ़ी खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी उसके आकलन में जुटे हुए हैं। उम्मीद है जल्द ही इसका रास्ता निकालकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कम बारिश के बाद भी सभी जिलों की समीक्षा की थी। इसके बाद उन्होंने ट्यूबवेल के लिए दिए गए किसी भी कनेक्शन को न काटने का आदेश दिया था। इस दौरान सीएम योगी ने ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी में 33 जिले ऐसे हैं जहां 40% से 60% तक बारिश हुई है। वहीं 19 जिलों में 40% से भी कम बरसात हुई है। इन जिलों में खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा धान प्रमुख है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली सप्लाई में कोई परेशानी न आने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहकर कार्य करना होगा, जिससे कि किसी भी स्तर पर समस्या होने पर तत्काल संज्ञान में लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।